हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जी के फॉर एग्ज़ाम। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का जो 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में बात करूँगे, जी के क्वेश्चन। इससे पहले मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ, ये 5वां वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन भूटान? इसका आंसर हो जाएगा जोंखा। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ओनीरोलॉजी द स्टडी ऑफ? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रीम्स। बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? तो ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग आ ही जाता है। तो इसका आंसर है बोलर लेक। डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट एब्यूंडेंट कम्ब्यूस्टिबल नेचुरल गैस? तो आंसर हो जाएगा बी वाला, मीथेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेक इन इंडिया लोगो इज मेड अप ऑफ बार्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा लोयन मेड ऑफ केज कॉक्स। लोयन मेड ऑफ कॉक्स, कॉक्स एक प्रकार का क्या होता है, बील होता है जिसमें दांत बने रहते हैं ना, टीथ टाइप से। तो इस प्रकार का ये लोयन मेड ऑफ कॉक्स है ना, तो ये शेर के ऊपर एक प्रकार का बील बना, उस पर टीथ है ना, इस प्रकार का लोगो है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, द दिब्रू सेक होबा नमेरी एंड ओरेंग नेशनल पार्क आर आल फाउंड इन विच स्टेट? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। तो ये तीन हो गए इसमें नेशनल पार्क है ना, तो ये अच्छे से याद कर लेना ये भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रीच सबमिट ऑफ माउंट एवरेस्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा जंको टेवी। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जामों में है ना बहुत बार। उसके बाद एक क्वेश्चन है, माले इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? माले इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मालदीव। सी वाला ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ एंजोली एला मेनन? तो ये इंडियन फीमेल आर्टिस्ट है ना, पेंटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द कोड नेम ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाई इंडिया इन पोखरण इन 1998? तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑपरेशन शक्ति। सी वाला ऑप्शन। उसके बाद एक क्वेश्चन था, व्हाट इज सेपाक टाकरा? तो इसका आंसर हो जाएगा किक वॉलीबॉल है ना, इसमें किक का निका उपयोग करते हैं ना। उसके बाद एक क्वेश्चन है, वियर इज़ द मसाई मारा नेशनल रिजर्व? तो ये केन्या में है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, 4 पेयर ऑफ बर्ड्स आर गिवेन, फाइंड द ओड वन आउट? तो ओड वन इसमें से अपने को निकालना है ना। तो देखो, अभी सबसे पहले तो 50th एनिवर्सरी को गोल्डन जुबली बोलते हैं, 40th एनिवर्सरी को रूबी जुबली बोलते हैं ना, गोल्डन जुबली, रूबी जुबली, और 25th एनिवर्सरी को सिल्वर जुबली बोलते हैं ना, 65th एनिवर्सरी को डायमंड जुबली नहीं बोलते हैं ना, जो 60th होती है ना उसको बोलते हैं डायमंड जुबली है ना, तो ये गलत है ना, 65 नहीं आएगा यहाँ पे, 60 आएगा तब जाके सही होता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओड वन आउट निकालना, तो फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन आर्ची पे लोजो? व्हाट इज एन आर्ची पे लोगो लागो? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ग्रुप चेन क्लस्टर और कलेक्शन ऑफ आइसलैंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ग्रुप चेन क्लस्टर और कलेक्शन ऑफ आइसलैंड। व्हाट इज़ एन आर्ची पे लागो है ना, तो ये पूछा इसमें, तो आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कैपिटल ऑफ युगांडा? तो इसका आंसर हो जाएगा कंपाला। कंपाला इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज़ द वैल्यू ऑफ गोल्ड डिटरमाइंड? तो इसका आंसर लंडन, डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, राइस। राइस इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर डेट डज नॉट फ्लो इनटू द सी? तो इसका आंसर हो जाएगा जमुना। यमुना को जमुना भी बोलते हैं ना, तो आंसर हो जाएगा बी वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द रिश्टर स्केल? तो अपने को बताना इसमें से फॉल्स का है, इसमें से फॉल्स कौन सा है, डी वाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ 8.9 ऑन रिश्टर स्केल मीन्स इट इज़ ए माइक्रो अर्थक्वेक, जबकि ये गलत है ना, 8 और 9 का होता तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इसमें, बाकी सारे सही हैं जो भी है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस फॉरबिडन सिटी इज इन? तो ये कहाँ पे, ये है चाइना में। सी वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट जनरली यूज्ड एज ए फ्रूट?
तो इसका आंसर हो जाएगा टमेटो, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है, 1955 फिल इन द ब्लैंक्स दिया वाज रीनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेम क्या कर दिया गया था 1955 में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था द प्लैनेट प्लूटो वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1930। तो इसको किसने डिस्कवर्ड किया था, क्लाइडी है ना, क्लाइडी नाम था उनका, क्लाइडी टॉम्बाग उनने डिस्कवर्ड किया था, है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का बताना है क्या होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना, अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट याद रखना और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, तो याद रखना। फ्रीजिंग पूछा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में 100। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज द फर्स्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग्ड प्रोडक्ट इन इंडिया, तो इसका आंसर है दार्जिलिंग टी। तो ये क्वेश्चन अभी आया था किसी कुछ दिन पहले किसी एग्जाम में, तो ये आता रहता है इस टाइप से क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर, तो इसका आंसर हो जाएगा डेली क्यू सेंस, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर इंडियन स्टेट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन के हिसाब से असम है ना। वैसे यूपी कितने से टच करता है, नौ से, जिसमें कि आठ जो स्टेट से टच करता है और एक यूनियन टेरिटरी से मतलब दिल्ली से टच करता है ना। यूपी करता है 9 से टच, जिसमें 8 स्टेट है और एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी कौन सी है, दिल्ली है ना, तो ये याद रखना। ऑप्शन के हिसाब से इसमें असम आंसर होगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन द हेड ऑफ स्टेट ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज दी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हवा महल इन जयपुर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, रेड एंड पिंक सैंडस्टोन, तो ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन गोई छा ला इज ए पास इन बीच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, तो इसका आंसर सिक्किम होगा। तो ये पास है कुछ गिने चुने, उनको पढ़ लेना आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द मोस्ट पावरफुल पीस इन ए गेम ऑफ चेस, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या होता है चेस में, ये होती है क्यून, आपने खेला होगा, तो क्यून सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बियर डिड रानी लक्ष्मी बाई डाई फाइटिंग दी ब्रिटिश, तो ये कहाँ पे ये शहीद हो गई थी, मतलब इनने कहाँ पे अपने प्राण त्याग दिए थे, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, ग्वालियर में। और इनका अगर जन्म पूछे तो जन्म हुआ था वाराणसी में, है ना, तो ये याद रखना। मैंने ये पोल में भी डाला था एक क्वेश्चन ये कि जन्म कहाँ हुआ था इनका, रानी लक्ष्मीबाई का, तो बहुत सारे लोगों ने गलत बताया था, है ना। तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में और मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है, CPU इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हु इन्वेंटेड द माउस ऑफ ए कंप्यूटर, तो इसका आंसर होगा सी वाला, डॉगलास इंगेलबर्ट। ये अभी RRB का भी इसी साल कोई पेपर हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है ना, तो ये भी रिपीट होगा है मतलब। उसके बाद एक क्वेश्चन है हु मेड द फर्स्ट चॉकलेट बार, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जोसेफ फ्राई एंड सन्स, सी वाला ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डिड मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्ट हिज कैपिटल टू फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से इन्हें कहाँ कर दी गई थी अपनी, सॉरी वेयर डिड मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्ट हिज कैपिटल टू फ्रॉम दिल्ली, तो इनने दिल्ली से अपनी जो कैपिटल शिफ्ट कहाँ कर दी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, इन्हें दौलताबाद में ना शिफ्ट की थी, दिल्ली से दौलताबाद कर दी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज SPM इन एनवायरमेंट मीन, तो इसका आंसर हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिक्यूलेट मैटर, बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच बैक्टीरियम इज यूज्ड टू टर्न मिल्क टू कर्ड, इसका आंसर हो जाएगा सी लैक्टोबैसिलस, सी वाला ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच एमोंग द प्लैनेट्स इज ऑरेंज इन कलर विथ वाइट बैंड्स ऑन इट, तो जुपिटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट इन इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रा सिल्क, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, सी ऑप्शन। नेक्स्ट तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे, इसमें 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।